नमस्कार, आप देख रहे हैं उम्मीद 27। ये तरवारा गनौरा पंचायत है। देर रात यहाँ पे सांप का बाइट हुआ है, जिसके कारण से राजकुमार पासवान का मृत्यु हो गया। रास्ते में ले जाते क्योंकि सुपौल यहाँ से जो CSC है वो काफी दूर है, जिसके कारण उनका रास्ते ही में मृत्यु हो गया। मृतक का ये चाल बालचा है, वो माँ है, आप देखिए ये उनकी पत्नी है। अभी मृतक की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ग्रामीणों ने भेज दिया है। अभी उनके फैमिली से बात कर लेते हैं कि ये सामने में घर है, कैमरामैन थोड़ा इधर घर दिखाएंगे कि यही घर में रात में बाइट किया है सांप ने, और इसी में वो सोए हुए थे, है ना, इसमें ही सोए हुए थे और देर रात ये घटना हुई। अभी सबसे अच्छा इसके बारे में उनकी वाइफ ही बताएगी। तो मैडम, कब आपको पता चला था कि सांप ने काटा है? 2 बजे काटा। कॉल किसको किया? काट लिया है तो उसके पापा हमको उठाया है काटने, तो उठो काट लिया हमको कान में सांप, तब उठ कर देख लिया है तो चादर हटाया तो सांप है। कौन सा कलर का सांप था? काला उजला था का? हाँ, काला है। तो रहता है वो रात में ही बाइट करता है, हालांकि उसका मुंह खुलता नहीं है, लेकिन कभी अगर उस पर हाथ उस पर गया तो काटता है। और उसके बाद न्यूरोटॉक्सिन उसमें जहर पाई जाती है, जो काफी इंडिया में बचने के करीब नहीं हो जाता है, क्योंकि ब्लड को वो क्लोज कर देती है। ये उनकी माँ है, देखिए कि इनका पहले से विकलांग है, और एक ही लड़का था ना आपका, 3 लड़का है जिसमें से एक लड़का, ये छोटा लड़का था जिसके साथ में माँ रहती थी, और ये विकलांग भी है, और देखिए इसकी स्थिति क्या है। क्या हुआ था जी? ये देखा बेटा हमारा काट गए, ये उठेल के जन्मारे में बेटा हमें सांप काट रहे, बेटा हमारा खुद कल के सांप काट रही है, मैं उठने गए दम बेधर फरा कर उठ के गलिए सोम से तक लिए सांप कतो ने बीले दू गो छे आ कतो ने सांप बुझे कतो ने ये हमारा देख लगे हमारे बेटे देख लगे। ठीक है, थोड़ा सा रोड से इनका कटा हुआ घर अंदर आ जाता है। अब रात में भी हैं तो ये उनकी वाइफ होंगी तो प्रॉपर ऐसा आदमी को नहीं बताऊंगी, दिखाइए कैमरामैन कि इनका थोड़ा सा रोड से थोड़ा सा हटा हुआ घर है, और पूरा आदमी को जानकारी होते भी लेट हुआ होगा, जिसके कारण जानकारी के अभाव के कारण भी ये हुआ, और स्वास्थ्य केंद्र नजदीक में नहीं रहा, सबसे पहली कारण तो वो है। जानकारी होता तब तक डेट हो गया। हाँ, जब लोग को बताया नहीं, मतलब जब बताया लोग आया उसको ले जाने के लिए, पहले रास्ते में डेट कर दिया, आधी रास्ता में जाके दम तोड़ दिया। आए दिन ये घटना ग्रामीण स्तर पर आए दिन ये घटना बढ़ती जा रही है। सरकार को स्वास्थ्य केंद्र तो नजदीक लाना ही चाहिए, और इसका उपचार रहने के लिए उसके बाद कुछ सरकार को इसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि गाँव घर में ना झाड़ फूक के चक्कर में भी ज्यादा मृत्यु हो जाती है, चाटी उटी चलाने के चक्कर में। जय सी बात, मेरा ऐसा मानना कि सांप का जैसे काटना पता चले आपको, सबसे पहले प्राथमिक उपचार के लिए धोना चाहिए, उसके बाद जल्द से जल्द आपको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हॉस्पिटल के लिए ऐसा आदमी है ना, कभी सफर है आदमी, देखता है घर द्वार कितना दूरी है, आ जा बोले जा लोग सब आया था तो ऐसा हो गया, तो क्या करें, हम ही बुलाया गया था, कोई नहीं आया, भाई का लोग गरीब सामाजिक स्तर पे कोई नहीं आया, कोई आया था हम गया बुला के लेंगे, क्या जगह थी? बुरैया थान गया, हमको चाचा जी को बुला के लाया, चाचा जी कहीं करना ले दे लोग रहता हम लोग आया चाचा जी तो हॉस्पिटल में मर गया, तब मर गया रहता। सामाजिक स्तर पे समाज को सोचना चाहिए कि हम लोग एक भाई है, तो सामाजिक उपचार मिला है, उस उपचार मिला नहीं कोई आया, गाड़ी नहीं को दिया तो की करें, नहीं बोला जब समाज छल है, समाज के कहल के तब तो समाज होले, जखन के समाज के खबर हेतै तखन तो समाज हेतै। घटना भले 2 बजे रात में आ तब सब रहे सुतल पड़ल, तो सब जेतै कहते तब ना समाज अतै रहे, तो सब तो गल जखन जा गल गल
तो जब पता लगले अकरा बोलत आवे है नहीं है ना। क्या कहना हुआ कि हम गए दो तीन जगह पे, दो तीन जगह पॉजिटिव नहीं दिया। नहीं सर, ये बात गलत है। समाज अगर समाज है, समाज है सबके उठाया, जितने में समाज जब सब नींद में रहते हैं, जब सब जूटा जूटा तब तक गाड़ी पर ले गया टेम्पो पर, तब तक आधे रास्ता में खत्म हो गया। समाज जब तक जूटा नहीं तब तक ले किया गया, क्या वो सरे गया? इसका बोलने नहीं आते है सर, वैसे कहता है। उनसे अभी चलिए ठीक है, उनको अब भी बाय मिस्टेक हो जाता है ही, लेकिन क्या कर सकते हैं, सामाजिक स्तर पे तो काम होता ही है। अगर वो होता ना तो समाज नहीं साथ देता, सब समाज साथ दिया है, हम समाज के दुख नहीं देंगे। पोस्टमार्टम करने के लिए समाज ही की तरफ से गाड़ी बुलाया गया, डीएमसीएच भेजा गया। हाँ यही है, समाज भेजा है, हम समाज के क्यों कहेगा नहीं भेजेंगे, भेजा है समाज भेजा है। मुझे भी कॉल गांव के मुखिया जी के ही लड़के ने किया था, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मेरे पंचायत में हादसा हो गया, आप जितना जल्दी हो सके आप आइए। ठीक है, ये मृतक की परिजन से बात हो गई है, सरकार की तरफ से 4 लाख अनुदान राशि मिलती है, तो इसको सामाजिक स्तर पर मुखिया जी और सरपंच साहब ने यह आश्वासन दिया है कि उन्हें जल्द से जल्द मिलवाया जाएगा पोस्टमार्टम करने के लिए। उन लोगों ने गाड़ी करके दरभंगा के लिए भेज दिया है। जुड़े रहिए उम्मीद 27 के साथ, धन्यवाद।